आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। देश में एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है। गाजियाबाद और नोएडा के स्कूलों में एक बार फिर से कई बच्चे ने कोरोना संक्रमित हो गए हैं और कोरोना की चपेट में आने का ये मामला धीरे धीरे बढ़ने लगा है, जिसके चलते स्कूलों को बंद कर अब ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही है। देखिए ये रिपोर्ट। फिर से कोविड की टेंशन, कोहराम मचाने को तैयार कोरोना, कई बच्चों पर कोविड अटैक, संक्रमण से पेरेंट्स की बड़ी परेशानी, स्कूल खोलते ही हो गए बंद, क्या आ गई चौथी लहर? अभी हाल ही में कोरोना की तीसरी लहर से लोगों को छुटकारा मिला था। सभी निश्चिंत थे कि नए सेशन से उनके बच्चे 2 साल के बाद स्कूल जाएंगे। स्कूल जाने के लिए जितने बच्चे बेताब थे, उससे कहीं ज्यादा उनके पेरेंट्स बच्चों को स्कूल भेजने के लिए उत्सुक थे। लेकिन लगता है कि उनके इस सपने पर फिर से पानी फिरने वाला है। दिल्ली से सटी गाजियाबाद और नोएडा में पिछले कुछ दिनों से कई स्कूलों में कोविड के नए मामले सामने आए, जिसके बाद पेरेंट्स की टेंशन बढ़ गई। बच्चों में संक्रमण की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आ रही है। पहले गाजियाबाद के सेंट फ्रांसिस स्कूल और फिर KR मंगलम स्कूल के बाद अब नोएडा के DPS स्कूल के 8 बच्चे और गाजियाबाद के जयपुरिया स्कूल में एक 10वीं के छात्र में कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। इसको देखते हुए नोएडा और गाजियाबाद के कुछ स्कूलों को 18 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिया गया है और उन्हें ऑफलाइन के बजाय ऑनलाइन मोड पर चलाया जा रहा है। दरअसल देश भर में कोविड की तीसरी लहर खत्म होने के बाद धीरे धीरे स्कूल, कॉलेजेस और दफ्तरों को खोल दिया गया था। ऐसे में जैसे ही स्कूल खुले, वैसे ही स्कूलों में कोरोना का संक्रमण धीरे धीरे बढ़ने लगा। बच्चों के स्कूल खुलने के साथ ही कई राज्यों ने मास्क पर से पाबंदी भी हटा दी, जिसके कारण 12 साल से कम उम्र के बच्चे वैक्सीन न लग पाने के कारण कोरोना की जद में आ रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो यहां कोविड संक्रमण की दर बढ़कर 2.70% पहुंच गई है। इस बीच कोरोना के नए वेरिएंट XE ने भी दस्तक दे दी है। उधर बढ़ते कोविड संक्रमण को देखते हुए डॉक्टरों की पेरेंट्स को सलाह है कि बच्चों को मास्क के साथ ही स्कूल भेजें और समय समय पर सैनिटाइज करने को कहें। बहरहाल कोरोना अब फिर से पांव पसार रहा है। अगर समय रहते इस पर अंकुश नहीं लगाया गया तो मामलों में और इजाफा हो सकता है, क्योंकि अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना घटने में वक्त नहीं लगेगा। इसके लिए जरूरी है कि लोग सावधानी बरतें। गाजियाबाद समेत जब से दिल्ली NCR में कोरोना ने दस्तक दी है, कहीं ना कहीं स्कूलों को लेकर, खास तौर पे जो स्कूलों में बच्चों के अंदर कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट्स पाई गई हैं, तो कहीं ना कहीं काफ़ी चिंता बढ़ गई है गाजियाबाद समेत NCR में। आपको बता दें, गाजियाबाद में पिछले एक हफ्ते से लगातार स्कूलों के अंदर में जिस तरह से बच्चों के अंदर कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट सामने आ रही है, तो कहीं ना कहीं विचलित करने वाली बात है। क्योंकि यहाँ के स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग भी लगातार इन मामलों को लेकर काफ़ी संज्ञान नजर आ रहा है। तो आपको बता दें कि जिस तरह से स्कूलों के अंदर में कोरोना पॉजिटिव बच्चे मिलने के केसेस लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के अंदर भी हलचल मच गई है। आपको बता दें, पूरे गाजियाबाद समेत NCR में ये काफ़ी केसेस नज़र आ रहे हैं कोरोना को लेकर। कहीं ना कहीं आशंका भी जताई जा रही है कि चौथी लहर का जो बताया जा रहा था कि चौथी लहर भी आ सकती है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये चौथी लहर आने की आशंका है। ऐसे ही कई स्कूल हैं जिसमें लगातार बच्चों के अंदर में जो कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट लगातार आ रही है, ये बहुत ही चिंता का विषय बना हुआ है। मैं गाजियाबाद से प्रवीण मिश्रा, प्राइम TV। तो दूसरी लहर देखने के बाद विशेषज्ञों का मानना था कि तीसरी लहर बच्चों के लिए खतरनाक साबित होगी, लेकिन जिस तरह से तेजी से वैक्सीनेशन हुआ, तीसरी लहर का प्रभाव बड़ों पर कम हुआ, जिसकी वजह से बच्चे भी संक्रमित नहीं हुए। लेकिन जिस तरह से अब बच्चे संक्रमित हो रहे हैं, अब ये खतरा भी देखने को मिल रहा है कि कहीं ये चौथी लहर तो नहीं, क्या इसका प्रभाव बच्चों पर होगा? अभी बच्चों की वैक्सीन आई नहीं है, तो वैक्सीन कब तक आएगी, इसको लेकर भी अब लोगों में चिंता बढ़ गई है। साथ ही साथ स्कूल भी खुल गए हैं, नया सेशन शुरू हो गया है, क्या बच्चों की पढ़ाई एक फिर ऑनलाइन मोड में जाएगी या फिजिकल रहेगी, अब इसको देखना भी अहम होगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही, यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम TV, सच साहस सरोकार।